यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटी नॉलेज हाउस में जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमारे मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने दी है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि ह्यूमन नीड्स 5 प्रकार की होती है जो प्रभावित करती है हमारे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे 5 प्रकार की ह्यूमन नीड्स होती है जो हमारे मोटिवेशन लेवल को प्रभावित करती है। 5 नीड में जो पहली नीड है हमारी वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड है एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ है एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। स्टूडेंट्स ये हमारी 5 तरह की नीड्स हो गई। अब इसमें जो हमारी पहली नीड्स थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? देखिए कोई भी मनुष्य पहले ये चाहेगा कि उसके पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए भोजन हो और पहनने के लिए कपड़े हो। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सर्वाइवल। तो ये 3 चीजें उसकी जब फुलफिल हो जाएगी तब वो बंदा नेक्स्ट लेवल की नीड्स एक्सपेक्ट करेगा कि अब मुझे मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चली है, अब हमें सेफ्टी नीड्स भी जरूरी है, मींस हमारा प्रेजेंट फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए, तब वो बंदा स्विच करेगा अपने नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या क्या आएगा? सेफ्टी नीड्स मेजरली हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा? बंदा ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं सेफ रहूँ बीमारी से, एक्सीडेंट से, फायर से एटसेट्रा, मीन्स जो भी फिजिकल चैलेंजेस है लाइफ में उनसे मैं बचूँ, सेफ रहूँ। सेकेंड है हमारी इसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देखो एक तो डिवाइड कर दिया इसमें फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि बंदा एक्सपेक्ट करता है कि मैं फिजिकली सेफ रहूँ बीमारी से, एक्सीडेंट से, फायर से एटसेट्रा से। सेकेंडली वो चाहता है कि मैं इकोनॉमिकली भी सिक्योर रहूँ, मेरा फ्यूचर इकोनॉमिकली सिक्योर रहे। इकोनॉमिकली सिक्योर इन द सेंस जब वो बुजुर्ग हो जाए या जब उसके पास जॉब ना हो तब उसका फ्यूचर आराम से चलता रहे, इकोनॉमिकली किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। तो ये जो 2 उसकी बेसिक नीड्स है, जो पार्ट है किसका? सेफ्टी नीड्स का। ये हमारी आती है किसमें? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। अब इन दोनों नीड्स को हम मिला के किस कैटेगरी में डालते हैं? बेसिक नीड्स में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारी थर्ड। जब ये सेकंड वाली सेटिस्फाई होती है तो बंदा हमारी थर्ड नेक्स्ट की लेवल की नीड्स पे पहुंच जाता है जो है हमारी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। देखिए बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में हमारा कैश को हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं, सोशल नीड्स एफिलेशन भी बोलते हैं। इसमें बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे लाइफ में क्या मिले? प्यार मिले, मेरे रिलेशंस अच्छे हो, मेरी फ्रेंडशिप अच्छी हो, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो, ठीक है, मेरी सोसाइटी में इज्जत हो। तो ये सभी जो उसकी नीड्स है ये किस लेवल पे आती है? थर्ड लेवल पे आती है। नेक्स्ट है हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में हमारी क्या आएगी? एस्टीम नीड्स में आएगी हमारी प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। मीन्स एक बंदा जब उसकी थर्ड लेवल की नीड्स पूरी हो जाती है, अब वो चाहता है कि उसकी समाज में उसका एक अलग से ही एक ओहदा हो, मीन्स एक अलग से ही इमेज हो, उसकी अलग से ही रिकग्निशन हो, पहचान हो, उसे एक अलग ही रेस्पेक्ट मिले समाज में। तो ये जो हमारी नीड्स है ये आती है किसमें? फोर्थ लेवल पे। इन दोनों को मिलाकर हमें जो कैटेगरी में डाला है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी होती है बच्चों मानसिक नीड्स, मीन्स जो हमारे मानसिक लेवल से जुड़ी होती है, मतलब जो हमारे मन से जुड़ी होती है। ये नीड्स हमारी मन से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? एस्टीम नीड्स और बिलोंगिंग नीड। और जो हमारी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स है, दीज आर अवर बेसिक नीड्स, जो जुड़ी हुई है हमारी बेसिक नीड्स से, ठीक है। फोर्थ के बाद में जो हमारी नेक्स्ट लेवल की और लास्ट लेवल की नीड आती है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स।
जब हमारी एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो बंदा अपनी नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ये नीड्स हमारी तब सेटिस्फाई होती है जब हमें हमारा गोल अचीव कर लेते हैं या गोल अचीव हमारा हो जाता है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, तब ये हमारी नीड सेटिस्फाई होती है। देखियो बच्चों, देखिए मैं आपको अब एक अपना नेक्स्ट लेवल का डायग्राम है, टेबल है, उससे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा अलग अलग नीड सेटिस्फाई होने पे मोटिवेट होता है और कैसे कैसे वो सेटिस्फाई होता है। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इस थ्योरीज की कुछ एजम्पशंस है वो जरूर पढ़ना चाहेंगे, और इन एजम्पशंस के बिना ये थ्योरी समझना और लिखना क्या है, यूजलेस है। देखिए पहला जो इसकी एजम्पशंस है, एजम्पशंस की होती है मान्यता है कुछ कंडीशंस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब ये थ्योरी अप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। पहली जो इसकी एजम्पशंस है वो है द बिहेवियर ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। जैसे जैसे आदमी की ये पांच नीड क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो उसका बिहेवियर भी उनसे प्रभावित होता है, मीन्स वो मोटिवेट होता है। सेकेंड है पीपल नीड्स आर इन हायर के ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू द हायर लेवल नीड्स। जो हमारी नीड्स है वो हायर के ऑर्डर में होती है, मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होती है, जो स्टार्ट होती है बेसिक नीड्स से और ख़त्म होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे। नेक्स्ट थर्ड है असेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट लेवल नीड्स कैन मोटिवेट हिम। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक लेवल की नीड सेटिस्फाई होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी पहली नीड थी क्या, फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो सेटिस्फाई हो गई, उसके सेटिस्फाई होने से हम बहुत अधिक लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह सकते, या हम बहुत अधिक लंबे समय तक अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं रख सकते। हम नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे हमें पहुँचेगा हमारा एम्प्लॉयज, और हमें वो भी उसकी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो अजम्पशंस है वो है अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड सेटिस्फाई। एक हमारा एम्प्लॉई नेक्स्ट लेवल की नीड पर तब पहुंचेगा जब उसकी पहले वाली लोअर लेवल वाली नीड सेटिस्फाई हो चुकी होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली जो हमारी नीड्स थी वो क्या है, पहली नीड्स है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इसकी जो हमारी नीड्स है, टाइप ऑफ नीड में देखिए, पहली जो हमारी नीड्स है वो क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है हमारा रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। ये जो हमारी नीड्स है ये फुलफिल कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ये फुलफिल होगी हमारी बेसिक पे से, अलावेंसेस से, सैलरी से, समझ आई बात। हमें टाइम से सैलरी मिलेगी, अच्छा अलावेंस मिलेगा, तो हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। जैसे हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होगी, हम लोग अपनी नेक्स्ट लेवल की नीड पे पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ये जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर किस चीज़ की, फिजिकल और इकोनॉमिकल। मैं आपको बताया था इसके अंदर हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखी है, फिजिकल में और इकोनॉमिकल में। मीन्स जैसे हमारी फिजिकल और इकोनॉमिक नीड सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई कैसे होगी, फिजिकल इकोनॉमिक नीड, रिटायरमेंट बेनिफिट से, जॉब सिक्योरिटी से, सेफ वर्क से और फेयर वर्क प्रैक्टिस से। देखिए मैंने आपको बताया था फिजिकल में क्या था, फिजिकल नीड्स में था बंदा बीमार ना पड़े, उसे एक्सीडेंट ना हो, उसका फायर से ना कुछ नुकसान हो, मतलब किसी भी तरह का फिजिकल चैलेंज उसे ना मिले। सेकेंड इकोनॉमिक नीड या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होगी, इकोनॉमिकली बंदा सिक्योर हो। इकोनॉमिकली सिक्योर कैसे होगा, मींस उसका फ्यूचर सिक्योर हो, फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट, मींस उसे पीएफ मिले, उसे पेंशन मिले, उसे जॉब सिक्योरिटी मिले कि प्रेजेंट में उसका प्रेजेंट भी क्या है, सिक्योर है, उसकी जॉब सिक्योर है, उसे सेफ वर्किंग एनवायरमेंट मिले, मींस जहां पर फिजिकल सिक्योरिटी हो, जहाँ पर एक्सीडेंट ना हो, जहाँ पर फायर ना लगे, किसी भी तरह का फिजिकल चैलेंज उसको ना दिखे। नेक्स्ट
जब ये हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिजिकल और सिक्योरिटी नीड्स, तो बंदा नेक्स्ट लेवल की नीड पे पहुंच जाता है, जिसे बोलते हैं एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड। एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स में आता है लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस। मींस इसके अंदर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उसे प्यार मिले, उसे सम्मान मिले, उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, बिलोंगिंगनेस हो। ये जो नीड है कैसे हमारी फुलफिल होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ये फुलफिल होती है एक मैनेजर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि उसके और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हो, एक फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट हो, एक अच्छा क्लाइमेट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सोशल एक्सेप्टेंस हो, मीन्स सामाजिक माहौल हो जहाँ पर एक दूसरे की अच्छे से इज्जत होती हो, और एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे बंदे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, एक फ्रेंडली माहौल बना के रखते हो। समझ आ गई बात? ये हमारी फुलफिल होती है इस तरीके से। बच्चों देखो, हम अब तक तीन नीड्स पढ़ चुके हैं। पहली बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये फुलफिल होती है बंदे की सैलरी और अलाउंसेस से। दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, ये फुलफिल होती है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट से, जैसे उसे प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना, उसे सैलरी अच्छी प्रोवाइड करना, टाइम से प्रोवाइड करना, उसे पेंशन देना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बाद में। नेक्स्ट है थर्ड, जब वो सेटिस्फाई होती है हम थर्ड नीड पे पहुंचते हैं, बिलोंगिंगनेस नीड। ये सेटिस्फाई होती है वहाँ के वर्किंग कल्चर से और एनवायरनमेंट से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर अच्छा हो, कोऑपरेटिव हो, फ्रेंडशिप हो वहाँ पे सब में अच्छी, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो। जब हमारी थर्ड लेवल की नीड फुलफिल होती है तो बंदा पहुंच जाता है फोर्थ लेवल की भी, जिसे बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आता है हमारी पॉजिटिव सेल्फ इमेज, मीन्स वहाँ पर बंदे की सेल्फ इमेज बहुत अच्छी हो, उसका एक अलग से स्टेटस हो सोसाइटी में या इन द आई ऑफ अदर्स, मीन्स दूसरों की नज़रों में उसका एक अच्छा स्टेटस हो, एक अच्छी इमेज हो। ये कैसे होगा? ये होगा जब हम उसे संस्था में एक अच्छा रिकॉग्निशन देंगे, उसे एक अच्छा उसका पार्टिसिपेशन रखेंगे, और उसे मौका देंगे खुद की इमेज बनाने का, और उसे अच्छे अच्छे प्रेस्टीजियस जॉब असाइनमेंट देंगे। मीन्स उसे वे जॉब असाइनमेंट्स देंगे जो काबिल तारीफ होंगे, जो उन्हीं बंदों को दिए जा सकते हैं जो बहुत ही काबिल है। इन चीज़ों से उसकी एस्टीम नीड क्या होगी? फुलफिल होगी। नेक्स्ट जो हमारी नीड आती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हमारी सबसे लास्ट लेवल की नीड्स है जो हमारी फुलफिल होगी किसके बाद में, जब हमारी एस्टीम नीड फुलफिल हो जाएगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में बंदा जो बनना चाहता है, और जब वो बन जाता है मीन्स जब उसका गोल अचीव हो जाता है, तब उसकी ये नीड्स क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। तो बंदा जो बनना चाहता है, जो अपनी संस्था से एक्सपेक्ट करता है, या जो वो यहाँ बनने के लिए आया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे वही चैलेंजिंग जॉब प्रोवाइड करें, और उसे वही एम्पावरमेंट दे, और उसका जो गोल है अचीव करने का, जो उसे गोल अचीव करना था वो उसे अचीव कराए, तब जाके बंदे की उसकी ये नीड सेटिस्फाई होगी। समझ आई बात? देखो बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारी पांच लेवल की नीड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होती है। ये हमारी एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी। मीन्स जब पहली सेटिस्फाई होगी तब हम दूसरे वाले पे जाएंगे, जब दूसरी सेटिस्फाई होगी तब तीसरी पे, जब तीसरी सेटिस्फाइड होगी तो चौथी पे, और जब चौथी सेटिस्फाई होगी तब हम अपनी लास्ट नीड पे जाएंगे, जो हमारी कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो हमारी नीड्स है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया नीचे। ये नीड्स हमारी फुलफिल कैसे होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को हेडफोन लगाकर कम से कम दो या तीन बार ध्यान से सुने, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी, और होपफुली आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी डेली बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस चल रही है, अभी आपका बोर्ड का BST का पेपर होना बाकी है। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को प्रेफर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।